भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत आज से होने जा रही है। आपको बता दें कि आज T20 सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं साथ ही साथ भारतीय टीम आज विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बिना इस सीरीज में उतरेगी। आपको बता दें कि 3 मैचों की T20 सीरीज में कॉल्स ब्रैथवेट की कप्तानी में इस टीम को हराना भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि T20 सीरीज में वेस्टइंडीज टीम वर्ल्ड चैंपियन है। वहीं दूसरी ओर विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा कप्तान की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि रोहित शर्मा के लिए ईडन गार्डन्स लकी मैदान है। इस मैदान पर उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो यहाँ खेलने के लिए उत्साहित हैं। हिटमैन ने इसी मैदान पर 2014 में वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड 264 रन बनाए थे। इसके अलावा यहां 2013 और 2015 में वो IPL खिताब भी जीत चुके हैं। बता दें कि धोनी की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत विकेट कीपिंग की भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या के लिए ये उनकी T20 इंटरनेशनल में डेब्यू होने जा रहा है। इसके अलावा अगर वेस्टइंडीज टीम की बात करी जाए तो वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रैथवेट ने इसी ग्राउंड पर बेन स्टॉक्स को लगातार 4 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को दूसरा T20 वर्ल्ड कप दिलाया था। अब इस महान खिलाड़ी के अलावा यहाँ पर महान खिलाड़ी डेरन ब्रावो, क्वायरन पोलार्ड भी हैं, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आज के मैच में भारत और वेस्टइंडीज का ये मुकाबला कितना रोमांचक रहता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।